बुलेटिन में खुश आमदीद। धुंध की शिद्दत में कमी आ गई, शहरे लाहौर में हद निगाह बेहतर हो गई है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा अभी भी बरकरार है। मजीद मौसम का अहवाल जानेंगे कोमल असलम से। जी कोमल जी, बिल्कुल। शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो साल के आगाज़ में जो है वह सूरज मियाँ ने आज शहर लाहौर से जो है अपनी आंखें मूंद ली हैं और आसमान पर बादलों का बसेरा देखने में नज़र आ रहा है। ठंडी ठंडी हवाओं का सिलसिला भी बरकरार है जो कि सर्दी की शिद्दत में इजाफे का बाइस बन रहा है। इस वक्त जो है वह शहरी इस मौसम को इंजॉय करते हुए जो है वह मुख्य मकाम का रुख भी कर रहे हैं, और जबकि जो अफराद थे जिन्होंने नए न्यू ईयर के जो इरादे किए हुए थे, जो अपने प्लानिंग की हुई थी, उस हवाले से जो है वो अपने प्लानिंग सारी अंजाम भी देते हुए नज़र आ रहे हैं। टेम्परेचर के हवाले से बात की जाए तो मौजूदा टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 3 रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री तक जाएगा। बारिशों के हवाले से कोई भी इम्कान मौजूद नहीं है, लिहाजा अगर हम बात करें लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से तो फ़िज़ाई आलूदगी के पंजे जो हैं वो काफ़ी मजबूत हो चुके हैं और लाहौर में एक क्यूए की शरह 227 रिकॉर्ड की जा रही है। लाहौर के अगर मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बात की जाए जिसमें सबसे पहले जो है वो फेज़ 8 DHA है 490, जबकि शादरा में 367, इसी तरह सैयद मुरादअली रोड में 334 और मेन बॉलीवुड में 306, जबकि US कौंसुलेट में 276 और कोर्ट लखपत में 256 AQI की शरह जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। हम देख रहे हैं कि फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो उसके बादल शहर लाहौर से ताहाल गायब नहीं हो सके, तो लिहाजा शहरियों को जो है वो अपनी हिफाजत को लेना है, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करना है। कोमल असलम, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब शहर में आटे का बहरान है। इतवार बाजारों में आटे के हसूल के लिए लंबी कतारें लग गई हैं, जिसकी वजह से शहरी परेशान हैं। 10 किलो आटे के थैले के हसूल के लिए मर्द और ख्वातीन घंटों कतारों में लगने पर मजबूर हैं। तफसीलात जानेंगे इस हवाले से हसनैन उलग से। जी हसनैन। आज इतवार छुट्टी का रोज़ है और छुट्टी के रोज़ जो लाहौरिये हैं देर तक सोते हैं और फिर उठकर दोपहर के औकात में नाश्ता वगैरह किया जाता है, लेकिन आजकल शहर में आटे की किल्लत का सामना है तो सुबह सवेरे उठकर इतवार बाज़ारों में जाकर लाइनों में लगा जाता है और आटे के हसूल के लिए तको दो और मेहनत की जाती है, और घंटों बाद जब बारी आती है तो फिर पता चलता है कि आटा ख़त्म हो गया है। हम वादर रोड यहाँ पर इतवार बाज़ार में आएँ, बात करते हैं शहरियों से, कब से वो यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, आटा मिला या नहीं मिला। बाबा जी मुझे ये बताइएगा, कब से आप लाइन में लगे हुए हैं आटे के हसूल के लिए? इस तरह से आटा लेना कितना अच्छा लग रहा है? अच्छा क्या लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हम तौबा और नौज़बिल्लाह किसी जुल्म की वजह से खड़े हुए यहाँ पर, सारे ही बैठे हुए हैं। इनको अल्लाह ताला दहत दे इनको कि मुल्क के लिए, बच्चों के लिए कुछ सोचें, आवाम के लिए कुछ सोचना चाहिए। इतनी औरतें देखो, औरतें कभी, वो पहले जो आपने बात की है कि सुबह घर में नाश्ता करते हैं और यहाँ पर नाश्ता की जगह हम लाइन में लगे हुए हैं यहाँ पर। मुझे आप बताइएगा सर, कब से लाइन में लगे हुए हैं, कितना एक ही तोड़ा देंगे, घर के कितने अफराद हैं? हमारे 6 अफराद हैं, अब एक तोड़ा मिलना मुझे 2 चाहिए, मुझे आधा घंटा हो गया, मैं मजदूर भी हूँ फिर भी लाइन में लगा हुआ हूँ और मिलना एक तोड़ा ही। 10 किलो कितने दिन निकालेगा ये? 10 दिन ही निकालेगा, और कितने दिन निकालेगा? अच्छा बिल्कुल, ये शहरी हैं जो यहाँ पर आटा के हसूल के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन मकसूद भट्ट साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पर कितनी लंबी लाइन लगी हुई है आटा के हसूल के लिए लोगों की, वो ज़रा दिखा सकें और यहाँ पर हमें अंदाज़ा हो सके कि आजकल शहर में आटे का कितना बड़ा बहरान चल रहा है और लोग किस तरह से जिल्लत और ख्वारी के बाद सिर्फ 1-10 किलो का जो आटे का थैला है वो हासिल कर पाते हैं, ना सिर्फ मर्द हजरात बल्कि ख्वातीन हजरात भी। शुक्रिया आपका। जमात इस्लामी का चौक आशिकाबाद में अवामी मसाइल हल ना होने पर एहतजाज। एहतजाज की क्यादत उम्मीदवार PP 168 अहमद सलमान बलोच कर रहे हैं। तफसीलात जानेंगे वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे उस्मान खादिम कंबो से। जी उस्मान। साल के पहले रोज भी अवाम की प्लेट खाली है। इस वक्त चौक आशिकाबाद के अंदर जमात इस्लामी की जानिब से अवामी एहतजाज किया जा रहा है, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, आटा महंगा है, दालें महंगी है, पेट्रोल महंगा, उसके खिलाफ उम्मीदवार PP 168 अहमद सलमान बलोच सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी एहतजाज कर रहे हैं। बड़ी तादाद में अवाम कारकुनान जमात इस्लामी के यहाँ पे शरीक हैं, अवामी एहतजाज जारी है, बच्चे भी इस एहतजाज में शरीक हैं, खाली प्लेटें उठाई हुई हैं मुजाहरीन ने और नारेबाजी भी की जा रही है महंगाई के खिलाफ। अहमद सलमान बलोच साहब से बात कर लेते हैं, सर क्या मसाइल हैं, क्या मकसद है इस एहतजाज का और आप क्या समझते हैं हल क्या हो सकता है इन सारे मसाइल का? जी बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, 2022 का इख्तिताम हुआ, हमें उसमें खुशियां भी थी, दुख भी थे और आज 2023 का पहला दिन है।
कि अवाम की वही परेशानियाँ हैं, वही मायूसियाँ हैं कि 75 सालों में हुक्मरानों ने अवाम की प्लेट में कुछ नहीं डाला। उनके बैंक बैलेंस बढ़ते हैं, उनके महल बड़े से बड़े हो जाते हैं, पर अवाम जो है कि अपने घर से बेच के किराए के घर पे आ जाती है। कि कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो अवाम पूछती है कि हमारे लिए सस्ती है, कि आटा गायब है, सुई गैस गायब है, महंगी बिजली जो है कि वो गायब है, लोगों के घरों में साफ पानी नहीं आता। यहाँ पर लोगों ने अपनी प्लेट में महंगा प्याज रख के एहतजाज कर रहे हैं कि हमें अब प्याज भी नहीं मिलता। कोई ऐसी चीज़ नहीं कि अभी यहाँ पे नारे लग रहे थे कि हमारी टूटी सड़कें हैं। जी बिल्कुल, आपने देखा कि बड़ी तादाद है यहाँ पे शहरियों की, खाली प्लेटें हैं, प्याज और सब्जियां हाथों में उठा के एहतजाज किया जा रहा है और नारेबाजी की जा रही है कि अवाम भूखी मर रही है, लेकिन हुक्मरान उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे, ना महंगाई कम हो रही है, ना ही रोज़गार दिया जा रहा है और अवाम अब भूखी मरने लग गई है। जी उस्मान खादिम कम्बो, आपका बहुत शुक्रिया। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही शहर भर में गैस प्रेशर कम हो गया। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन के सिस्टम पर डिमांड 250 मिलियन क्यूबिक फिट हो गई है। ज़राए का कहना है कि लाहौर रीजन को फराहमी 180 मिलियन क्यूबिक फिट है। तफसीलात जानेंगे इस शॉर्टफॉल के हवाले से शाहिद नदीम सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा। जी, सर्दी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही शहर में गैस प्रेशर डाउन होना शुरू हो गया है। ज़रा ने यह बताया है कि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन के सिस्टम पर इस वक्त 70 मिलियन क्यूबिक फीट शॉर्टफॉल है, जिसकी बुनियाद पर खाना पकाने के औकात में भी प्रेशर के साथ गैस की फराहमी नामुमकिन होती जा रही है। विफाकी हुकूमत ने यह ऐलान कर रखा है कि SNGPL नाश्ता, दोपहर और शाम के औकात में तकरीबन 8 घंटे के लिए सार्फिन को प्रेशर के साथ गैस मुहैया करेगी ताकि खाना पकाने में आसानी हो सके, लेकिन जो सिस्टम पर सूरत हाल है वो उसके बरक्स नज़र आ रही है। इस वक्त लाहौर रीजन की डिमांड 250 मिलियन क्यूबिक फीट तक जा पहुंची है, जबकि जो फराहमी की जा रही है उसको 180 मिलियन क्यूबिक फीट तक महदूद रखा गया है। इस तरह 70 मिलियन क्यूबिक फीट गैस की कमी की वजह से सिस्टम को चलाने में काफ़ी हद तक दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है और उसका बराह रास्त असर सार्फीन पर हो रहा है, या फिर वो लकड़ियाँ जला रहे हैं या फिर बाजार से महंगे दामों LPG सिलेंडर खरीदने पर मजबूर हैं। इसके साथ साथ गैस की किल्लत पैदा होने की वजह से सार्फीन ने कंप्रेसर का इस्तेमाल भी बढ़ा दिया है। SNGPL की जानिब से क्रैकडाउन किया गया और 500 से ज़ायद सार्फीन के कनेक्शन मुनक़ता किए जा चुके हैं। उसकी बुनियादी वजूहत भी यही हैं कि चूंकि गैस की किल्लत है और खाना पकाने के लिए जब गैस ज़रूरत के मुताबिक प्रेशर के साथ नहीं दी जा रही तो सार्फीन दूसरे ज़राए इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। मौसम सरमा के मज़ीद अगर 15 रोज़ की बात की जाए तो ज़राए की जानिब से कन्फर्म किया गया है कि SNGPL के सिस्टम पर आइंदा के लिए भी गैस की किल्लत रहेगी और घरेलू सार्फीन की जो परेशानियाँ हैं उनमें मज़ीद इजाफा होगा। जी शायद सप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। बरतानिया समेत यूरोपी ममालिक में PIA की परवाज़ों पर पाबंदी के मामले के हवाले से PIA की यूरोप में आयद पाबंदी ख़त्म होने के इम्कान रोशन हो गए हैं, क्या पेशरफ्त हुई है, जानेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद, आगा कीजिए। जी बिल्कुल, PIA की परवाजों की यूरोप में बहाली के मामले पर एक अहम पेशरफ्त है वो सामने आई है और राय के मुताबिक यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी EASA की जानब से PIA के ऑर्डर का फैसला है वो किया गया है और यूरोपीय यूनियन सेफ्टी एजेंसी जो है वो 7 मार्च 2023 से कौमी एयरलाइन का ऑनलाइन रिमोट ऑडिट है वो करेगी, जबकि EASA की टीम है ऑडिट टीम जो है वो PIA की फ्लाइट सेफ्टी, फ्लाइट इंजीनियरिंग, फ्लाइट ऑपरेशन समेत मुख्तलिफ अमूर का ऑनलाइन रिमोट ऑडिट है वो करेगी और PIA के कामयाब ऑडिट के बाद EASA की टीम है वो पाकिस्तान का दौरा है वो करेगी और EASA की टीम है वो PIA की ऑडिट से मुतमिन होने के बाद जो सिविलेशन अथॉरिटी का ऑडिट है वो किया जाएगा। उसके बाद EASA की टीम के मुतमिन होने के बाद यूरोप में PIA की परवाजों से फ्लाइट ऑपरेशन बहाल होने के इम्कान है वो रोशन है और हर का ये कहना है कि इस हवाले से जो तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि तर्जुमान PIA के मुताबिक PIA ने EASA के ऑनलाइन ऑडिट से मुतल्लिक अपनी तमाम तैयारियां वो मुकम्मल कर ली हैं और कोई उम्मीद है कि कामयाब ऑडिट के बाद जो यूरोप के लिए ऑपरेशन की राहें वो हमार हो जाएंगी। और इस हवाले से काबिल जिक्र बात यह है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के ऊपर तकरीबन 2 साल कबल ये पाबंदी है वो आयद की गई थी। अब इस हवाले से जो एक पेशरफ सामने ये आई है कि यूरोपीय यूनियन सेफ्टी एजेंसी ने 7 मार्च को जो है जो कौमी एयरलाइन का ऑनलाइन रिमोट ऑर्डर करने का फैसला है वो कर लिया है। इस हवाले से सईद अहमद सईद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही, बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।